आज हम बनाएंगे ओरियो कोल्ड कॉफ़ी। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपा और दीपाज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। मैंने यहाँ पर नेस्कैफे का लिया है, आप कोई भी कॉफ़ी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच गर्म पानी और इसको अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स। कॉफ़ी पाउडर को हमेशा गर्म पानी के साथ ही मिक्स करना चाहिए, चाहे हम कोल्ड कॉफ़ी बना रहे हों चाहे हम हॉट कॉफ़ी बना रहे हों, ठीक है? क्योंकि इससे इसका पेस्ट एकदम स्मूथ बनता है और जब हम कॉफ़ी बनाते हैं तो एकदम फ्लफ़ी झागदार बनती है। तो चलिए इसको अच्छी तरीके से 1 मिनट तक फेंट लेते हैं। अब लेंगे हम 1 मिक्सर जार। ये जो पेस्ट बना के रखा है ना, इसको इसमें डाल देते हैं। बाकी का इसमें जो पेस्ट बचा है इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम पानी और इसको भी इसमें डाल देंगे, क्योंकि इसको वेस्ट नहीं करना, बाउल में काफ़ी लगा हुआ है, इसको भी इसमें डाल देते हैं। सिंपल कॉफ़ी बनानी हो तो कॉफ़ी पाउडर डालिए, दूध डालिए, शक्कर डालिए, बस कॉफ़ी बन करके तैयार हो गई। लेकिन जो चॉकलेट और कॉफ़ी के कॉम्बिनेशन से बनती है वो होती है मोका ड्रिंक। हम डालेंगे यहाँ पर चीनी। जितना हमने यहाँ पर कॉफ़ी पाउडर लिया है उसकी डबल क्वांटिटी में हम लेंगे चीनी, यानी कि 2 चम्मच लिया है कॉफ़ी पाउडर तो 4 चम्मच लेंगे हम यहाँ पर चीनी। 2 ग्लास लेंगे यहाँ पर हम दूध। दूध एकदम ठंडा होना चाहिए, क्योंकि जब हम कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं तो वो जितनी ठंडी होगी उतनी ही फ्लफ़ी और झागदार बनेगी। थोड़े से डाल दिए यहाँ पर आइस क्यूब्स। लिड को कर देते हैं बंद। अगर आप इसको मिक्सर जार में ना बनाना चाहें तो आप इसको ब्लेंडर से भी बना सकते हैं। ब्लेंडर से भी ना बनाना चाहें तो आपको एक और ईजी तरीका बताती हूँ। आप 1 एयरटाइट कंटेनर लें और ये सारे इन्ग्रीडियंट्स इसमें डालें और इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से शेक कर लें। आप देखेंगे कि एकदम फ्लफ़ी और झागदार कॉफ़ी बन करके तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए कॉफ़ी एकदम झागदार बन गई है। अब लेंगे हम यहाँ पर 1 ग्लास और ये मैंने लिया है चॉकलेट सीरम। आप यहाँ पर हर्षी सीरम का भी यूज़ कर सकते हैं। ये चॉकलेट सीरम मैंने घर पर ही बना करके रखा हुआ है। तो थोड़ा सा इसको ग्लास पर इस तरीके से लगा देंगे और इसकी जो ग्लास के किनारे हैं उन पर भी हम लगा देंगे, क्योंकि जो फ्रीक शेक होता है वो ऊपर से एकदम डेकोरेट होता है, उस पर ये जो कलरफुल स्प्रिंकल्स होते हैं वो लगे हुए होते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैं इस पर चॉकलेट लगा देती हूँ। मैंने अच्छे से लगा देनी है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो ये लिए मैंने स्प्रिंकल्स, ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो ये मैंने डाले प्लेट में और ग्लास को किया उल्टा और इस पर लगी हुई है चॉकलेट। तो इस तरीके से इनको इस पर चिपका देंगे। ये देखिए इस तरीके से घुमा करके इसको चिपका देते हैं और देखिए काफ़ी अच्छे से चिपक चुके हैं, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, अच्छे से चिपका देने हैं। इसको देख करके तो बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो ये देखिए जहाँ जहाँ रह गए वहाँ थोड़े से और लगा देते हैं और इसको रखेंगे हम 10 मिनट तक फ्रिज में, ताकि ये जो चॉकलेट है अच्छे से सेट हो जाए और ये चिपक जाए। और ये देखिए ये अच्छे से सेट हो चुके हैं, 10 मिनट के लिए मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे। अब मैंने यहाँ पर लिए हैं ओरियो बिस्किट, इनको तोड़ के रखा हुआ है। बिस्किट डाल देते हैं, आपको जितने डालने हो 2, 3, 4 उतने डाल दें, क्योंकि ये फ्री कम फ्रीक शेक है, इसको जितना पीते हैं उतना ही खाते भी हैं। और यहाँ पर डालेंगे चॉकलेट, अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी हो तो आप इसमें वो भी डाल सकते हैं, चेरीज हो वो डाल सकते हैं, आपको जो पसंद हो इसमें डाल सकते हैं। बट मैंने यहाँ पर ओरियो बिस्किट और चॉकलेट सी डाली हैं। और ये देखिए कॉफ़ी बनकर तैयार हो चुकी है और जो इसके झाग है ना वो ऊपर से डाल देते हैं। ये झाग डाल दिए, अब इस पर डालेंगे हम वनीला आइसक्रीम, क्योंकि इससे इसका टेस्ट डबल हो जाता है और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। और थोड़े से डाल देते हैं इसके ऊपर स्प्रिंकल्स, जिससे कि ये देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। ये होता है फ्रीक शेक जो कि बहता हुआ बनता है। अभी इसमें थोड़े से इंग्रेडिएंट्स और डाले जाएंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर से बहने लगेगा। जब ग्लास के आसपास ये बहने लगता है तो इसको बोलते हैं फ्रीकम फ्रीक शेक। थोड़े से लेते हैं ओरियो बिस्किट, आपको 1-2 जो लगाने हो वैसे लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर लगाऊंगी 2 ओरियो बिस्किट्स। और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ओरियो कोल्ड कॉफ़ी बन करके तैयार हो चुकी है। यही कोल्ड कॉफ़ी अगर आप मार्केट में पीने जाते हैं तो 200 रुपये से स्टार्ट होती है। आप कहीं भी चले जाइए, 200 रुपये से कम में तो आपको मिलने वाली है ही नहीं। तो
तो आप क्यों ना इसे घर पर बनाएं और ये झटपट बन करके तैयार हो जाती है। ऊपर से थोड़ी सी डाल देंगे हम मेल्टेड चॉकलेट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। थैंक यू।